भाइयो भी तो आज मेरी फूपी की दो छोरी को ब्याह तो आज हम है मतलब के भाती ठीक है तो हम डालेंगे आज भात भात हम कितनों डालेंगे कैसे कैसे डालेंगे कहाँ कहाँ देंगे भात में तो बात कैश के बाद जो है कहाँ कहाँ खाना खवाया जाएगा वो खाना जो बातें वास्तीत के रिलेटेड होएंगा या बात बाहर होएगा तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखियो और चैनल जो है ना यार लाजमी सब्सक्राइब करो बड़ी मेहनत हो गए यार तेहरा हमारा बात में फ़र्क भी बताए तो खुद है <laughs> <laughs> तो भाई अमल शुरू हो गए तो भात जो पाकिस्तान में गे रहे हैं वो छोरी यानी कि जो प्यार है बालक को वाक नाना मामा और जो वाकई छोरी की अमर है वे बालक को वाक नाना मामा और जो के हस्बैंड हो जो उनको तो बाप हो तो वाक ना ना मामा मतलब तीन बंदा भात गे रहे हैं तो पीछे देख सको मेवाती जो औरत हैं वे मेवाती के भात का हवाला से जो है गीत गा रही है सिर के ऊपर एक घड़ी रख के नहीं तो भातल में से एक बंदा खड़ा होगा वह घड़ी में जाके नहीं पाँच दस रुपये रख देवे मेरे ख्याल से तो फिर मे बात ही जो चुपड़ के साइड बैठ जावे हैं तो भात को अमल जो है शुरू हो गया माने देखो पंद्रह मिनट भात ठीक है पंद्रह मण भात में जो एक में है एक मण करे हमें बत्तीस सौ रुपया ठीक है बत्तीस सौ ज़रा पंद्रह तो हिसाब लगा लो कि हमने कितना हज़ार को भात डालो है तो फिर हमने दिया है सूट अब नूँ देखो कि अब सूट जो है मेवाती जो है पाकिस्तान का कौन कौन दे हैं ये जो भात की जो रस्म है ना ये हरियाणवी लोग जो है इंडिया से जित करके उनमें भी है और मेवाती में भी है हाँ अब बात आ गई सूटन की क्योंकि जो जोड़ा जो है मतलब तो कि जो सूट है यानी कि जो कपड़ा लत्ता चूड़ा ठीक है वही अब कौन कौन दिया जामे अब वे जो लत्ता चूड़ा है ना वे जो है बालक जा को ब्याह है वा यानी कि खालान को एक एक सूट ठीक है तो वा के बाद जो है अगर गांव की कोई छोरी मतलब के जो छोरी का नाना मामा उनका गांव के अगर कोई छोरी उन्हें और बिहाई है वह गांव में ठीक है या उनका घर यान में तो एक एक सूट जो है वालू में लेके आएगा ठीक है तो तीन तो होगा मतलब जो खाला है उनको सूट होगा और उनका सूट होगा और छोरी का जो है अम्म अबा का भी रहें मेरे ख़्याल से दादा दादी के भी रहें और बाकी जो अगर छोरो होएगो तो वालों यानी कि फेंटो और कपड़ा जो फेंटो जो मैं वहाँ सकाफत को ही तो दिए जा रहा हूँ ठीक है और छोरी लू जो है तो छोरी को ब्याह तो लो एक एक सूट ठीक है तो वहाँ के साथ जो है एक एक सूट के साथ जो है पचास पचास रुपया या दस दस रुपया ऐसे देवे हुए हैं ठीक है तो अभी जो है छोरी का जो है, जो है चाचो है वो जो है इन सब सूटन ने ले जा रो है जो छोरी का मामा नाना है वे उनके हवाले करी जा रहा है तो फिलहाल तो देखो ये जो पैसा दिया है पचास पचास का दो नोट मेरा से तो इन्हें आयो ना हो जो क्योंकि वह जाती है कल्चर के साथ मेवाती कल्चर के साथ ठीक है अब ये पचास पचास रुपये नई से का दे दिया है तो वह बाद में जब नई से सुबह आए गो रात के टाइम तो फिर वा के हवाले बनने कर देंगे तो ये हाल है ठीक है तो अब जो है छोरी का जो है नाना मामा है वे अभी फ़िलहाल भात दे रहे हैं और बाकी जो है पीछे खड़ा खड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कद रोटी खुलेरा हम फरेरा चावल के घेर दें क्योंकि बहुत जगह तो फरेरा चावल दे रहे हैं लेकिन फरेरा चावल और घी तो देसी घी बहुत महंगो हो गए ना तो अब उनको रिवाज खत्म हो गयो अब लड्डू मिठाई आएगा देखो आगे देखो यार कहाँ मिलेगा खाना में तो वह आगे देख लियो तुम ठीक है मेरा छोटो भाई पीछे से भगो भगो आयो तो यहाँ प्लेट उसे आकर पैसा उठा लिया तो फिर सब भाती जो है हंसन लग गया मतलब एक फ़नी सीन होगा यानी कि बहुत यानी कि यादगार सीन होगा जो कि जिंदगी भर याद रखो जाएगा तो छोरी के नाना मामा ने जो है भात दे दियो है अब जो छोरी के अम्मी का नाना मामा हैं, वे हैं। हैं, है हैं, वे भात दे रहा है और जो बड़ भाती के हैं उनसे ठीक है और छोरी का जो है अब्बा का नाना मामा उनसे बड़ भाती के हैं अब वे भात दे रहे हैं ठीक है ये छोरी का नाना मामा उनका यानी कि कह के वासू उनका छोरी का नाना मामा उनके मामा का बालक सब बैठाएं देखो मतलब बादशाह हमारा बहुत बड़ा कुणबो है तो सभी आया है मैं भात दे लूँ तो मैं सभी सटेटा चल रहे हैं एक साथ इकट्ठा होकर नहीं चाचा होगा मतलब वे उनका बालक तो ये देखो अभी छोड़े को जो है अम्मी को मामो है ये भी मतलब यानी सूट दिया है तो वे हवाले कर दिया उनके तो ऐसे भाई बहा दियो जावे है तो इंडिया में ऐसे भात दियो जावे है या के वाह को फिर कोई और तरीक़ो है तो वह कमेंट में लाजमी बतायो और हाँ अगर हमारी हमारे कल्चर तुम्हारा पसंद आए तो कमेंट भी करनी नीचे चाहे हमारी हौसला अफजाई हो और यार सब्सक्राइब तो लाजमी है क्या कि हमारी आने वाली नई वीडियो भी हासिल कर सको और बेल बेलाइकें भी प्रेस कर दियो ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है तमाम बर वक्त मिल जाए अब ये सूट मिला है अब ये छो छोरी के जो है अम्मा है वालू मतलब बालाक की अम्मा या कोई और सिया औरत है वहाँ के हवाले कर देंगे और फिर जा को सूट होएगा और जा का सूट के साथ पैसा मिला पचास पचास रुपया उनकी जो अमानत है वो उनके हाथों बर वक्त पहुँचा दी जाएगी तो अब छोरी का जो है अबू का जो है मामा मतलब का बड़ भाती वे भा दे रहा है तो उन्होंने मतलब को थोड़ा बहुत दिया मतलब बीस शेर दे दिया होंगे या दो सूट दे दिए होंगे छोरी लो बस उनने ऐसे दियो है जो छोरी को चाचो जो है नोटन ने दड़ा दड़ थूक लगा के गण मल रो है तो आगे मजीद देखियो कि भाई कहाँ कहाँ सीन होएगा भाई रूटी में कहाँ मिलेगा कि कल्चर के हवाले से मिलेगा या कल्चर से बाहर मिलेगा तो तुम्हारों भी कहा यही कल्चर है यही कल्चर है तो भाई कमेंट लाज ठोक दियो और लाज में बतायो और वीडियो अच्छी लगी हो जाए फिर भी कमेंट में लाज में बतायो गाली तो दियो मत ठीक हो अब ये कपड़ा जो है पैक करा जाना छोरी की अम्मा के हवाले कर देगा वो फिर जिन जिनका सोट दिया है हमने उनसे उनसे उनके हवाले कर देगा अब जो है दस्तरखाना शुरू होगा खाने तो देखो भाई खाना पहले तो आयो सबसे पहले आता तो आया लड्डू भातिन के मारे दो तो फैला चावल और घी देसी घी ना आयो है तो भाई सब भाती जो है रसगुल्ला और गुलाब जामुन और लड्डू खा रहे जो कि चार पाँच सौ रुपये किलो है पाकिस्तान में इंडिया में कहा हिसाब है कमेंट में नीचे लाज भी बता दियो और सब्सक्राइब भी लाज भी कर दियो तो लड्डून के बाद जो है आया है केला सेब और कुछ और फ्रूट तो ये भी हमने थोड़ा बहुत ही खाया है केला सेबन के बाद भाई आयो है नून का चावल और गोश्त मुर्गे को गोश्त और रोटी